नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जो प्रोग्राम आज हम बनाने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, राइट ए मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम विच टेक्स टू इंटीजर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड परफॉर्म डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस। मतलब हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है और इसके अंदर हम दो इंटीजर यूज़र से इनपुट कराना है हमको। फिर उसके बाद यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग हमको अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराना है। चॉइसेस आर प्रेस 1 टू परफॉर्म एडिशन, प्रेस 2 टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, प्रेस 4 टू परफॉर्म डिवीजन। मतलब अगर सीधी सीधी भाषा में हम समझें तो हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसके अंदर यूज़र दो इंटीजर्स रन टाइम पर इनपुट करेगा, फिर उसके बाद यूज़र के सामने हम चॉइसेस रखेंगे कि भाई इन दो इंटीजर्स पर कौन सा ऑपरेशन यूज़र तो परफॉर्म करवाना चाहता है। तो हम उसके सामने कुछ चॉइसेस रख देंगे और चॉइसेस कुछ इस तरह से होगी कि भाई अगर एडिशन परफॉर्म कराना है तो 1 प्रेस कर दो, अगर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराना है तो 2 प्रेस कर दो, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और डिवीजन के लिए 4। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम बनाने की तरफ हम अपना रुख करते हैं। तो सबसे ऊपर तो दोस्तों हम लोग हेडर फाइल्स लिखेंगे ही और फिर उसके बाद वॉइड में। तो अब ज़रा समझते हैं कि प्रोग्राम के अंदर हमें कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों, हमको यूज़र से दो इंटीजर्स इनपुट कराना है, यानी कि सीधी सीधी बात है दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स तो हमको लगने वाले हैं ही यहाँ पर। तो हमने यहाँ लिख दिया इंट ए कोमा बी, तो ये दो इंटीजर वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए। फिर एक और वेरिएबल की ज़रूरत हमको दोस्तों कहाँ लगने वाली है, चॉइस के लिए। हमको यूज़र से उसकी मर्ज़ी भी पूछना है और यूज़र जो अपनी मर्ज़ी यहाँ जाहिर करेगा वो एक इंटीजर होगा। जैसे कि यूज़र की मर्ज़ी है एडिशन परफॉर्म करवाना, तो यूज़र क्या प्रेस करेगा, 1। अगर यूज़र चाहता है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना तो यूज़र क्या एंटर करेगा दोस्तों, 3। तो यहाँ जो यूज़र की मर्ज़ी है तो उस मर्ज़ी को जाहिर करने का जो तरीका है वो एक इंटीजर है। उस इंटीजर से हम ये तय करेंगे कि यूज़र ने क्या इच्छा जताई है। तो इसलिए यूज़र की चॉइस के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का और उसका नाम भी हमने रख दिया चॉइस। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम कहता है कि दो इंटीजर को यूज़र से इनपुट कराओ, तो सबसे पहले हम एक मैसेज दे देते हैं। तो हमने दोस्तों इस प्रिंट इफ के ज़रिए ये मैसेज यूज़र तक पहुँचा दिया, एंटर टू इंटीजर्स। अब इस मैसेज को पढ़ के यूज़र ये समझ जाएगा कि मुझे दो इंटीजर इंटर करना है। अब जो भी दो इंटीजर वो इंटर करेगा उन दोनों ही इंटीजर्स को हमको पहुंचाना है वेरिएबल ए और वेरिएबल बी तक। तो हमने यहाँ लगा दिया स्कैनफ फंक्शन। तो दोस्तों, यहाँ तक आते आते हमारे पास वो दो इंटीजर्स आ चुके होंगे जिन पर यूज़र कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहता है। पर कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़र परफॉर्म करवाना चाहता है अभी हमने ये तो यूज़र से पूछा ही नहीं, तो ये भी हम पूछ ही लेते हैं। तो यहाँ हम प्रिंट इफ लगा देते हैं एक और। तो दोस्तों, हमने यूज़र की जो मर्जी थी वो यहाँ पूछ ली, हमने एक मैसेज में तो लिख दिया एंटर योर चॉइस और फिर उसके बाद हमने उसको एक मेन्यू भी दिखा दिया कि भाई अगर एडिशन परफॉर्म करना है तो 1 प्रेस कर, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो 2 प्रेस कर और मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है तो 3 प्रेस कर, वरना डिवीजन के लिए 4 प्रेस कर। तो ये पढ़ के यूज़र समझ जाएगा कि उसको अगर जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म वो करना चाहता है तो उसको क्या इंटर करना है। अब दोस्तों, यूज़र जो अपनी चॉइस इंटर करेगा वो एक इंटीजर होगा और उस इंटीजर को हमको पहुंचाना है कहाँ दोस्तों, इस चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर। तो फिर से हम यहाँ लगा देते हैं एक बार फिर से स्कैनफ फंक्शन। तो इस तरह से दोस्तों हमने स्कैनफ फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया। तो जैसे ही यूज़र अपनी मर्जी जाहिर करेगा, जैसे ही वो अपनी चॉइस एंटर करेगा, ये वो इस चॉइस नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी। यानी कि दोस्तों, यूज़र की मर्जी हमने अब कहाँ कैद कर ली, इस चॉइस नाम के वेरिएबल में हमने कैद कर ली है यूज़र की मर्जी को। अब यहाँ तक आते आते
हमारे पास वो दो इंटीजर भी आ गए जिस पर यूज़र अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, हमारे पास यूज़र की मर्जी भी आ चुकी है कि वो कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है। तो अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यूज़र के सामने मल्टीपल चॉइसेस हैं, कई सारी चॉइसेस हैं, उनमें से वो किसी एक चॉइस को चुन सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रोग्रामिंग की दुनिया में हमारे पास होता है दोस्तों स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट, जिसका हम पिछले कई दिनों से जिक्र किए जा रहे हैं। उस स्विच केस डिफॉल्ट स्टेटमेंट की मदद से ही अब हम आगे के प्रोग्राम को अंजाम देंगे दोस्तों। तो देखिए जरा किस तरह से हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो दोस्तों हम कुछ इस तरह से स्विच केस का इस्तेमाल करेंगे। स्विच कीवर्ड हमने यहाँ पर लिखा, उसके आगे पैरेंथिसिस में चॉइस हमने पास कर दिया, फिर कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दिया, फिर सबसे पहला केस हमने लिखा, भाई यूज़र अगर वन इंटर करेगा इसका मतलब वो एडिशन परफॉर्म करवाना चाहता है, तो वो जो वन वैल्यू है वो किस में जाकर स्टोर हो गई, चॉइस में। तो हमने यहाँ पर लिख दिया केस, फिर स्पेस कॉन्स्टेंट वन, अगर वन से वैल्यू मैच कर जाएगी चॉइस की, मतलब एडिशन परफॉर्म होना है। तो हमने इसके नीचे लिख दिया प्रिंट एफ रिजल्ट इज परसेंटेज डी कोमा ए प्लस बी, तो ए और बी दोनों का जो सम होगा वो इस परसेंटेज डी की जगह पर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि हमारे सामने आ जाएगा रिजल्ट इज जो भी दोनों ए और बी की वैल्यूज का सम है वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने लगा दिया ब्रेक। अब इसी तरह से दोस्तों आगे के जो ये तीनों ऑप्शंस है इनके लिए भी हम केसेस लिख देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने आगे के ऑप्शंस को भी कवर कर लिया। ये केस हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन के लिए, ये वाला केस हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये वाला केस हो गया यहाँ पर डिवीजन के लिए। अब हो सकता है दोस्तों यहाँ पर ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ए डिवाइडेड बाई बी ए स्लेश बी और उसके आगे हमने फ्लोट लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो हो सकता है कि ये कुछ लोगों को परेशान कर रहा हो, तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि आप हमारे वो लेक्चर्स जरूर देख लें जिनके अंदर हमने टाइप कन्वर्जन का जिक्र किया था। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन के बॉटम में एक लाइन चल रही है, तो उस लाइन पर आप देखिए वहाँ हमने लेक्चर नंबर मेंशन किया हुआ है जिस भी लेक्चर के अंदर हमने टाइप कन्वर्जन का जिक्र किया था। तो ये चीज़ आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी अगर आपको ये परसेंटेज है और ये टाइप कन्वर्जन परेशान कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इन केसेस को कवर कर लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे केसेस कवर हो गए। अब दोस्तों हो सकता है यूज़र थोड़ा सा मनमोजी हो, एक वो गलत चॉइस इंटर कर बैठे। वैसे तो हमने यूज़र को बता दिया था कि भाई ये चॉइसेस हैं ये इंटर कर दो, पर हो सकता है कि यूज़र के मन में कुछ और समाया था, उसके दिल में कुछ और बात छुपी थी और उसने कोई और चॉइस इंटर कर दी, मतलब 1, 2, 3, 4 के अलावा कोई और इंटीजर इंटर कर दिया। अब दोस्तों वो तो वैलिड चॉइस है नहीं क्योंकि चार ही ऑपरेशन है हमारे पास तो परफॉर्म करवाने को। तो अब हम किसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट का, क्योंकि जब इन चारों में से कोई केस मैच नहीं करेगा तब किसको चलना होगा दोस्तों, डिफ़ॉल्ट को। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट। इस तरह से दोस्तों हमने डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिख दिया और उसके अंदर हमने एक मैसेज दे दिया यूज़र को, रॉन्ग चॉइस डियर, प्यारे दोस्त तुमने एक गलत चॉइस इंटर कर दी। तो इस तरह से दोस्तों इस स्विच के अंदर हमने वो सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा लिए। एक तरह से आप देख सकते हैं एक मेन्यू की तरह ही आपको नज़र आ रहा है, एक यूज़र के सामने एक मेन्यू बन गया है, जो वो चॉइस इंटर करेगा वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों करीब करीब अब हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। अब हम लिख देते हैं यहाँ गेट सी एच और कर्ली ब्रैकेट को हम कर देते हैं बंद, तो ये मेन फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट भी हमने यहाँ बंद कर दिया। अब आइए दोस्तों इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि गहराई से ये प्रोग्राम हमारे जहन में उतर जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा मेमोरी में जन्म होगा ए बी चॉइस नाम के तीन वेरिएबल्स का, और तीनों ही वेरिएबल्स होंगे यहाँ इंटीजर टाइप के। फिर सी एल आर एस सी आर आउटपुट स्क्रीन को कर देगा सफा चट। फिर आया दोस्तों ये प्रिंट एफ, जैसे ही ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट स्क्रीन पर दोस्तों ये मैसेज प्रिंट हो गया एंटर टू इंटीजर्स। अब इस मैसेज को पढ़ के यूजर
को ये समझ में आ गया कि दो इंटीजर इंटर करना है, तो उसने दो इंटीजर इंटर कर दिए। हम मान लेते हैं एक इंटीजर उसने इंटर कर दिया 5 और दूसरा इंटीजर उसने इंटर कर दिया 2। फिर जैसे ही उसने इंटर की प्रेस की, इस scanf ने 5 और 2 इन दोनों ही इंटीजर्स को a और b में जाकर स्टोर कर दिया। तो a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 2। अब यहां तक प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका था। अब ये वाला प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा एंटर योर चॉइस, और उसके बाद ये सारे ही प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे और इनसे मैसेजेस प्रिंट होते चले जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह के मैसेजेस प्रिंट हो गए, एंटर योर चॉइस, प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिविजन। अब यूजर ये मैसेज देखेगा, उससे उसको समझ में आया कि कौन सा ऑपरेशन वो परफॉर्म करना चाहता है, तो उसको क्या प्रेस करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि यूजर चाहता था सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना, तो वो इंटर कर देगा दोस्तों 2। तो उसने 2 टाइप किया कीबोर्ड से और इंटर की प्रेस की। तो ये जो इसके ने फंक्शन है, ये इस 2 को इस चॉइस नाम के वेरिएबल में जाकर स्टोर कर देगा। तो जो यूजर था उसने अपनी मर्जी जाहिर की, 2 प्रेस किया और उसकी इस इच्छा को, उसकी इस मर्जी को इस चॉइस नाम के वेरिएबल में कैद कर लिया गया इस scanf फंक्शन की मदद से। अब स्विच के अंदर पास हो गया दोस्तों ये चॉइस, तो चॉइस की वैल्यू यहां से पास हो गई 2। तो कंट्रोल स्विच के अंदर आया। अब जैसा कि हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले वाले केस के आगे लिखे इस कॉन्स्टेंट से मैच किया गया इस 2 को, मैच नहीं हुआ तो ऐसे सूरत में कंट्रोल कहाँ रुक करेगा, अगले केस की तरफ। तो ये अगला केस कंट्रोल यहाँ आया। इसके आगे का प्रोग्राम दोस्तों हमने यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड के इस हिस्से में। अब केस 2 से मैचिंग हो गई, जैसे ही मैचिंग हो गई तो कंट्रोल केस 2 के नीचे आया और नीचे आकर इस प्रिंट एफ को एग्जीक्यूट कर दिया। अब जैसे ही ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा रिजल्ट इस परसेंटेज डी, और इस परसेंटेज डी की जगह प्रिंट हो जाएगी ए माइनस बी की वैल्यू। अब ए की वैल्यू तो है दोस्तों 5, बी की वैल्यू 2, ए माइनस बी बोले तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। तो यहां से मैसेज प्रिंट हो जाएगा रिजल्ट इज 3। तो इस तरह से दोस्तों हमारे सामने अर्थमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट आ गया, जो भी यूजर ने चाहा था उस अर्थमेटिक ऑपरेशन का रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से दोस्तों बाकी के केसेस भी आप लोग यहां पर रन करके देख सकते हैं, और जब इन चारों में से कोई भी चॉइस यूजर इंटर नहीं करेगा, मान लीजिए उसने कोई और इंटीजर इंटर कर दिया 5, 6, 7, तो ऐसे सूरत में कोई भी केस मैच होगा ही नहीं, तो सीधा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा दोस्तों डिफॉल्ट पर, और मैसेज प्रिंट हो जाएगा रॉन्ग चॉइस डियर। तो बेहतर है कि आप इस प्रोग्राम को रन करके देखें, हर एक केस को चला कर देखें, तो एक समझ गहरी होती है दोस्तों। इस लेक्चर को अब हम यहीं एंड करते हैं, यहीं करते हैं इसका समापन समारोह। होती है मुलाकात आप सभी से अगले लेक्चर में। अभी दीजिए मुझे इजाज़त, आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दोस्तों।